अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक मरतबा फिर आपको जो है सरिया के ताज़ा रेट्स अपडेट करने जा रहे हैं और स्टील के रेट्स के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि डेली अपडेट आ रही है और ये नहीं कि छोटा मोटा इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है स्टील के रेट में। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भाई डॉलर पाकिस्तान में 300 रुपए तक पहुंच चुका है ओपन मार्केट में और इंटर मार्केट में आपको 250-260 रुपए तक इसका रेट जाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि 250 तो क्रॉस कर गया है रात का। तो ऐसे में हालात जो हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन तो क्या किसी भी चीज़ के रेट्स देख लें वो रेट स्टेबल नहीं हो रहे। जो डीलर्स हजरात हैं या जो शॉपकीपर्स हैं वो बहुत परेशान हैं कि इस रेट पर वो खरीद कर आगे कस्टमर को वो चीज़ दे रहे हैं, जब दोबारा वो चीज़ बाई करने जाते हैं तो उसमें आपको पैसे ऐड करने पड़ रहे हैं, उसके बाद आपको वो चीज़ मिल रही है। तो इसलिए कारोबार के हालात पाकिस्तान में इस वक्त बहुत डाउन जा रहे हैं। चले मैं आपको पहले रेट्स अपडेट कर देता हूं। मैंने दोस्तों आपको तकरीबन 10 दिन पहले का बताया हुआ था, 10 से 15 दिन पहले, जब ये रेट्स अभी बढ़ना स्टार्ट नहीं हुए थे तो मैंने कहा था कि भाई 200 मेरे ख्याल से 20 रुपए के राउंड अबाउट रेट था। मैंने कहा था कि भाई स्टील के रेट में इजाफा होने के चांसेस हैं और आप इसको बाई करना चाहते हैं या बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा ले। बहुत सारे दोस्तों ने करवाई भी है और मुझे मैसेज आ रहे थे। तो चले दोस्तों मैं आपको रेट्स अपडेट करता हूं। उससे पहले आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 7 और 8 सौ तक के 40 ग्रेड के सरीखी, इसका आज की ताज़ा रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है 258 रुपए पर केजी, यानी 258,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और 7 और 8 सौ तक का जो 60 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 261 रुपए पर केजी, यानी 261,000 रुपए पर मेट्रिक टन। 5 और 6 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 259 रुपए पर केजी, यानी 259,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और 5 और 6 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया है, इसका रेट है 260 रुपए पर केजी, यानी 260,000 रुपए पर मेट्रिक टन। 4 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 258 रुपए पर केजी, यानी 258,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और 4 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 260 रुपए पर केजी, यानी 260,000 रुपए पर मेट्रिक टन। 3 सूत्र का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 260 रुपए पर केजी, यानी 260,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और 3 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया है, इसका रेट है 262 रुपए पर केजी, यानी 262,000 रुपए पर मेट्रिक टन। लाहौर का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 242 रुपए पर केजी, यानी 242,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और लाहौर का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 244 रुपए पर केजी, यानी 244,000 रुपए पर मेट्रिक टन। इसी तरह इस्लामाबाद का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 244 रुपए पर केजी, यानी 244,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और इस्लामाबाद का जो 60 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 246 रुपए पर केजी, यानी 246,000 रुपए पर मेट्रिक टन। कराची का जो 40 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 246 रुपए पर केजी, यानी 246,000 रुपए पर मेट्रिक टन। और कराची का जो 60 ग्रेड का सरिया, इसका रेट है 248 रुपए पर केजी, यानी 248,000 रुपए पर मेट्रिक टन। दोस्तों ये थे 3 सूत्र से लेकर 8 सूत्र तक ब्रांड स्टील के रेट और मैंने आपको लोकल के भी रेट्स अपडेट किए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया, अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर मेट्रिक टन के हिसाब से सरिया के रेट में एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होने के चांसेस है। जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा, आपका स्टील का रेट बढ़ता जाएगा। सीमेंट के हवाले से भी अपडेट है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी अपडेट। दूसरे जो मटेरियल्स हैं, मैंने आपको वाटर टैंक्स का रेट अपडेट किया था और पेंट्स के रेट्स हैं, इसी तरह तमाम के रेट्स में इजाफा हुआ। पेंट्स के रेट में बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया, जो इसकी एक गैलन है पेंट की उसके रेट में तकरीबन 300 से ऊपर इजाफा हुआ है। इसी तरह और भी आइटम्स हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको उसके भी रेट्स अपडेट कर दूंगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने आपको आने वाले दिनों के वाले से बता दिया और लेटेस्ट रेट्स भी अपडेट कर दिए हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।